दोस्तों आज मैं बात करूंगी हैंगिंग बास्केट्स के बारे में कि कितने प्लांट्स मेरे हैंगिंग बास्केट्स के बचे हैं और क्या इंतज़ाम किया है मैंने इनको टांगने का। हैंगिंग बास्केट्स कम जगह में गार्डनिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो बहुत सारी हैंगिंग बास्केट्स मैंने पहले भी लगाई हुई थी। ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन की ये बास्केट है, ये वही बास्केट है जो पहले उस बालकनी में लगी हुई थी। इसका बिल्कुल ही ख़राब सी हो गई थी, लेकिन इसकी ये कटिंग भी मैंने लगा दी थी तो अब तो अच्छे से चल गई है। और जब मैं कलियाँ देखती हूँ ऐसी छोटी छोटी सी जो गुड़हल के प्लांट हैं, देखिए कलियाँ आ रही हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और गर्मियों के लिए सबसे अच्छा फूल देने वाला प्लांट पोर्चुलका पर्सलेन, मेरे पास दो कलर्स हैं तो दोनों इसी में लगाए हुए हैं मैंने। अभी इन पर फूल भी आने लग गए हैं और अच्छी धूप आती है तो ये सबसे अच्छा प्लांट है, बहुत अच्छे फूल देता है पूरी गर्मी। अभी और कलर्स भी मैं लेकर आऊँगी। और देखिए दोस्तों ये डायंथस की बास्केट है जो इतने लंबे सफ़र में बच भी गई और अभी इस पर फूल भी आने लगे हैं। इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी में फूल छोटे आ रहे हैं, लेकिन देखिए कितनी सारी कलियाँ आ रही हैं। मैंने इसको पूरे को कट कर दिया था और जब से धूप में रखा है इसको, और अभी देखिए इस पर कितनी सारी कलियाँ आ रही हैं और छोटा सा फूल भी लगा है। तो डायंथस थोड़ा गर्मी में भी फूल दे देता है। बास्केट्स को टांगने के लिए मैंने ड्रिल करवाई, यहाँ की जो छत है वो काफ़ी ऊंची है, ड्रिल करवाने के बाद ही बास्केट्स में उस पर नहीं टांग सकती थी, तो उसके लिए मैंने रस्सी बांधी उसमें और रस्सी की नीचाई इतनी रखी ताकि मैं आराम से बास्केट्स को उतार सकूं, टांग सकूं और कभी भी देखना हो, पानी वानी देना हो तो आराम से दे सकूं। इसके बाद जो मेरे पास बहुत सारी लालटेन्स वगैरह, बहुत सारे टांगने की चीज़ें थी बालकनी में जो मैंने टांगी हुई थी, वो सब मैंने जैसे तैसे सेट की। हैंगिंग बास्केट्स की ऊंचाई हमेशा इतनी रहनी चाहिए कि हम आराम से उतार सकें उनको, कभी भी पानी देना हो आराम से दे सकें। तो इसलिए मैंने इनमें थोड़ा थोड़ा रस्सी बांधी है ताकि आराम से इनमें पानी वानी दे सकूं मैं और कभी भी देखना हो तो उतार सकूं। सारी हैंगिंग बास्केट्स सही हैं, जो थोड़ी ख़राब हो गई थी उनकी कटिंग लगा दी थी। दो ऐसे प्लांट हैं जो ख़राब हुए हैं हैंगिंग बास्केट के, टर्टल वाइन पिंक वाली और ग्रीन वाली। देखिए यहाँ पर ये इसकी कटिंग लगाई थी स्वीट पोटैटो वाइन की, ये भी चल गई है। और जो लालटेन्स वगैरह थी वो मैंने बास्केट्स में ही बांध दी हैं। तो इस तरह से मैंने ये देखिए जेट प्लांट की कटिंग लगा रखी है। यहाँ पे मनी प्लांट, ये वही वाली है, ठीक हो गई है, अच्छे से चलने लगी है। इसके अलावा ये एक बास्केट प्लांट था काफ़ी अच्छा, बहुत सुंदर, उसकी कई कटिंग्स लगाई हैं अभी यहाँ पर, तो ये चलने लग गया है। तो सभी जितने भी जो टांगने वाले आइटम्स थे वो सब मैंने ऐसे ही बालकनी में कहीं ना कहीं जुगाड़ देखकर टांग दिए हैं। तो बालकनी में कम जगह में बहुत ही अच्छा रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बास्केट्स टांग दें। तो जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पर आप कील गड़वाइए, कुछ भी कीजिए और उस जगह का यूज़ करके वहाँ पर बास्केट टांगिए। देखिए ये एक फिलीडेंड्रोन का प्लांट है जिसकी हार्ट वाली पत्तियाँ होती हैं, ये बिल्कुल ख़राब सा हो गया था, इसमें भी अब ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, चलना शुरू हो गया है ये। और ये हमारा क्रीपिंग चार्ली का प्लांट है जिसकी बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस थी, बहुत सुंदर था ये प्लांट, तो इसको पूरा कट कर दिया मैंने, अब इसमें फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो ये भी अब चल जाएगा। ये दूसरा वाला मनी प्लांट है, ये भी चलना शुरू हो गया है और ये वेंडरिंग जू की जो कटिंग्स थी वो भी अब चलना शुरू हो गई हैं। तो जो भी हैंगिंग बास्केट्स के प्लांट थे ज़्यादातर सभी सही हो गए हैं। टर्टल वाइन को नहीं बचा पाई मैं, क्योंकि टर्टल वाइन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और वो रास्ते में ही गल गई थी, तो ये मैंने एसी पर टांग रखे हैं। देखे तो जहाँ भी आपको कहीं भी जगह दिखे वहाँ आप प्लांट हैंग कर सकते हैं। और इंग्लिश आईवी है इसके नीचे, तो काफ़ी ठीक लगने लगी अभी बालकनी। अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत मेहनत लगी है इस काम में भी। और देखिए साइड में जो भी मेरे जो हैंगर्स थे और ये मैंने मंगवाए थे अमेज़न से, जिनमें दो दो तीन तीन प्लांट एक साथ टांग सकते हैं साइड में, वो सारे मैंने लगा दिए हैं। इन पर तीन तीन गमले एक साथ आ जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं और काफ़ी मजबूत हैं, तो ये साइड की जो जगह है वो इनसे कवर हो गई है।
तो काफ़ी सारी बास्केट्स टंग गई लेकिन अभी भी बहुत सारी बाकी हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ देखेंगे क्या करना है। इसके अलावा जो मैंने ये सेल्फ बनाई थी, ये खुद ही बनाई थी, इसका वीडियो भी डाला था मैंने। पहले मैंने इंडोर लगाई हुई थी, ये भी मैंने बालकनी में लगा दी हैं दो, तो इन पर भी गमले आ गए हैं। साइड में जगह खाली थी, जहाँ पर भी जगह खाली दिखती है वहाँ पर कुछ ना कुछ सोचती हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ लग सकता है। तो इस तरह से बहुत ही कम जगह में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे टांगे, उसके जुगाड़ में ही मैं लगी रहती हूँ। और ये सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। ये जो हैंगर्स हैं काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी बड़ा गमला भी आराम से ये होल्ड कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, जय सियाराम।